अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कचूरा विलेज की दूसरी लेक अपर कचूरा लेक का विजिट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको विजिट करवाया था लोअर कचूरा लेक का, जहाँ पे शंग्रीला रिजॉर्ट भी है। अपर कचूरा लेक स्कर्दू से तकरीबन 18-19 किलोमीटर के फासले पर है और लोअर कचूरा लेक से 3-4 किलोमीटर आगे है। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको पार्किंग मिल जाती है गाड़ी खड़ी करने के लिए। उसके बाद तकरीबन 5-10 मिनट की आपको वॉक है लेक तक। प्रॉपर वहाँ पे रोड नहीं बना हुआ, एक कच्चा ट्रैक है, उसके ऊपर चल के आप वहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा रश भी देखने को नहीं मिलता। आप एक गांव में से होके गुजरते हैं, काफ़ी पुराना गांव है, काफ़ी लकड़ी के पुराने घर नज़र आते हैं आपको। आपके साथ साथ पानी के चश्मे भी काफ़ी बह रहे होते हैं। इस तकरीबन 10 मिनट की वॉक के बाद आप अपर कचूरा लेक पे पहुंच जाते हैं। जुलाई और अगस्त में इसका टेम्परेचर परफेक्ट होता है, तकरीबन वेरी करता है 15-20 सुबह और दोपहर के दरमियान, और लेकिन सर्दियों में ये लेक कम्प्लीटली फ्रोजन होती है। इस मौसम में आप लेक में दोपहर के टाइम पे स्विमिंग भी कर सकते हैं। शुरू में ये ज़्यादा गहरी नहीं है, तकरीबन इसमें 3-4 फुट का पानी है, लेकिन सेंटर में जाके काफ़ी डीप हो जाती है। तकरीबन 70 मीटर की मैक्सिमम डेप्थ है इसकी। यहाँ की मेन अट्रैक्शंस यहाँ पे स्विमिंग है, बोटिंग वगैरह है। बोटिंग के लिए यहाँ पे पैडल बोट्स भी हैं, दूसरी मोटर बोट्स भी हैं। वो तकरीबन सीज़न पे डिपेंड करता है, लेकिन तकरीबन 2500 to 3000 के दरमियान आप बुक कर सकते हैं। कैंपिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी में इवन जो मछलियाँ वगैरह तैर रही हैं वो भी आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रही हैं। इस तमाम खूबसूरती के बावजूद एक सोर पॉइंट जो सबसे ज़्यादा है कि कचरा, इवन दो लोग यहाँ पे नहीं है, लेकिन कचरा फिर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अभी तक जितनी जगह मैंने देखी है वहाँ में सबसे ज़्यादा मुझे कचरा यहाँ पर नज़र आया। इवन दो लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, फिर भी लोग पानी की बॉटल्स फेंक रहे हैं, पानी के अंदर तैर रही हैं। यहाँ पे आगे खाना वगैरह पकाते हैं तो जो भी डब्बे वगैरह होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। रैपर्स वगैरह आपको पानी में तैरते नज़र आ रहे हैं, पुरानी बोट्स खड़ी हुई हैं उनके अंदर ढेर लगा हुआ है, जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर फेंक देते हैं। इवन दो बहुत सी जगहों पर आपको प्लास्टिक आपको बास्केट्स वगैरह नज़र आती हैं, लेकिन खाली पड़ी हुई हैं, कोई उसके अंदर कचरा नहीं है, सब कचरा का ढेर लगा हुआ है साइडों पे। तो प्लीज़ कोशिश करें अगर यहाँ पे आप आते हैं तो इस कचरा वगैरह ना करें, जो जगह बनी हुई है वहाँ पे फेंकें, इस जगह को साफ़ सुथरा रखें। बड़ी खूबसूरत लेक है, इसको गंदा मत करें। अगर आप सीनिक ब्यूटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शंग्रीला या लोअर कचूरा लेक से ज़्यादा खूबसूरत आपको ये जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी तक कम्प्लीट सब कुछ नेचुरल है। आपको उस तरह से बिल्डिंग वगैरह भी देखने को नहीं मिलती। वहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, गेस्ट हाउसेस वगैरह बने हुए हैं, ये अभी तक उस तरह से नहीं है। तो सीनिक ब्यूटी आई थिंक इसकी ज़्यादा खूबसूरत है लोअर कचूरा लेक से। लेक के ऊपर ऐसे सच कुछ होटल्स वगैरह नहीं है, गेस्ट हाउसेस वगैरह एक दो हैं, लेकिन थोड़ी सी हाइक के बाद आपको एक होटल वगैरह मिलता है। वहाँ पे आप जो लेक है उसका व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही ट्राउट भी एंजॉय कर सकते हैं।
अगर आप सुकून वाली जगह पे कहीं भी सर्दियों में जाना चाह रहे हैं तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा। इवन दो ये पीक सीज़न है, टूरिस्ट वगैरह का काफ़ी रश है हर जगह पे, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली आपको देख रहे हैं, वीडियो में भी देख रहे होंगे, काफ़ी कम रश है यहाँ पे। आप यहाँ पे सुकून के साथ पूरा दिन गुजार सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। छाँव है यहाँ पे, पानी है ठंडा, फिश वगैरह आप देख सकते हैं, बोटिंग है, फिशिंग है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट दिन आपका यहाँ पे मेरे ख्याल में गुजारना बनता है। एक और अच्छा ऑप्शन जो अगर कोई यहाँ पे नाइट स्टे करना चाहते हैं, एक तो मैंने पहले बताया गेस्ट रूम वगैरह अवेलेबल हैं। सेकेंडली अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो जगह डिजिग्नेट की गई है, वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, अपना कैंप भी ला सकते हैं। और अगर अपना कैंप नहीं है तो यहाँ पे जो गेस्ट हाउसेज वगैरह हैं वो लोग भी आपको कैंप प्रोवाइड कर सकते हैं काफ़ी मिनिमल से चार्जेस के ऊपर। लेक की जो मेन एंट्रेंस है वहाँ तक तो इशू नहीं है, वहाँ तक तो एक कच्चा रास्ता बना है, वहाँ तक तो आप आ जाते हैं। लेकिन आप अगर दूसरी साइड जाना चाहते हैं लेक के, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपको काफ़ी पथरीला रास्ता है, रास्ता तो मैं नहीं कहूँगा ऐसा बना हुआ है, लेकिन आपको पत्थरों वगैरह को क्रॉस करके वहाँ पर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, स्लिपरी वहाँ पर काफ़ी पत्थर हैं। तो अगर आप दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है, सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर स्नो है, क्लाउड्स हैं, दरख्त नीचे नज़र आ रहे हैं, नीचे लेक का व्यू है कंप्लीट। तो व्यू बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे ज़रूर जाएं, लेकिन मैंने बताया आपको कि एहतियात के साथ जाएं। अगर आप स्कर्दू का विज़िट कर रहे हैं तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा और री मस्ट विज़िट प्लेस है, लेकिन सिर्फ सफाई का यहाँ पे ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पे अगर आप पेरेंट्स वगैरह के साथ हैं जो ज़्यादा नीचे नहीं आ सकते, तो उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि आप होटल वगैरह पे उनको छोड़ दें। या एक और रास्ता है जो थोड़ा सा होटल से राइट साइड से है, वहाँ से अगर आप, वो भी कच्चा ट्रैक किया, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने कुछ स्टेज वगैरह छोटी छोटी बनाई है, तो वहाँ से भी आप उनको ले कर आ सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि कम्प्लीट फैमिली को यहाँ पर लेकर आएँ, कम्प्लीट फैमिली के साथ यहाँ पर दिन गुजारें, यहाँ पर कुकिंग करें, स्विमिंग करें, बोटिंग करें, एंजॉय करें। आई होप व्यूअर्स आपको अपरकचूरा लेक की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्कर्दू एंड सराउंडिंग की दूसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।